सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल इनलाइनर हो, और कई लोगों को ये पता नहीं होता कि इनलाइनर को इनलाइन बोलते हैं। सब बोलते हैं सिंगल पट्टी वाला स्केट्स आता है वो, या सिंगल लाइन में जिसके व्हील्स आते हैं वो। तो इस तरीके के नाम बता के अलग अलग नाम बताते हैं मेरे को कॉल करके कि ये वाला स्केट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये है इनलाइनर, इसको बोलते हैं इनलाइन स्केट या स्पीड स्केटिंग भी कह सकते हैं। ये प्रोफेशनल इनलाइनर आप देख सकते हैं इसको, ये प्रोफेशनल इनलाइनर है जो कि आप सभी सरफेस पे यूज़ में ले सकते हैं। ऑलराउंडर समझ लीजिए इसको आप, रोर, रिंग, मार्बल, सीमेंट, रूफटॉप, सब तरफ यूज़ में ले सकते हैं। और इसके जो व्हील की साइज़ है 110 mm है, बहुत ही बड़ी साइज़ है जो कि नॉर्मल छोटे मोटे खड्डों को या पत्थरों को ये इजीली क्रॉस करवाएगा। और इसकी स्पीड बहुत हाई स्पीड मिलेगी, आप इसको चाहे तो हाईवे पे भी चला सकते हैं, नॉर्मल गलियों में भी चला सकते हैं, सभी तरफ को, सभी सरफेस को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो चलिए आज साहिल स्केटिंग कॉलेज द्वारा ये स्केट्स है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये किस तरीके से पैकिंग में हम आपको देते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसको फिटिंग कैसे करना है, ये आपको मैं ऑलरेडी फिट बता रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ। और अगर आपको चाहिए, कभी आप हमसे बाय करते हैं तो आप ख़ुद भी इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं तो आप विदाउट फिटिंग मंगवा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको फिटिंग सही प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे तो आप खुद फिट करके दीजिए, तो इस तरीके से हम आपके पैर के अकॉर्डिंग इसको फिट करके आप तक पहुँचा देंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं इनलाइनर की अनबॉक्सिंग और इसकी फिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 34। दोस्तों, हमारे द्वारा भेजा गया इनलाइनर का जो पैकेज है इस टाइप से होता है, सभी साइज़ के इनलाइनर आपको मिल जाएंगे और बस प्रोफेशनल इनलाइनर मिलेंगे। मीन्स इस तरह यहाँ पर एड्रेस होता है, जिस भी स्टूडेंट या जिस भी पार्टी को हम भेजते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। यहाँ पर हमारा साहिल स्केटिंग कॉलेज की डिटेल्स है, यहाँ पर फ़ोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस वगैरह है। मैंने इसमें कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है, फिलहाल आपको सिर्फ मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता सकता हूँ और ये नंबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे आपको नंबर। तो किस तरीके से हमारा इनलाइनर होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कटिंग कर देते हैं हम। ओके, नॉर्मल सी है, नॉर्मल पैकिंग में भेजते हैं हम, किसी तरह का प्रिंट आउट या ज़्यादा पैकेजिंग पे खर्चा नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ खर्चा जो भी करना होता है हम हमारी क्वालिटी स्केच वगैरह पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए इनलाइन कहीं से डैमेज ना हो इसके लिए ये रफ़ और थर्माकोल्स वगैरह हम इसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से इनलाइनर को कोई नुकसान ना हो। जस्ट नॉर्मल पैकिंग है और ज़्यादा चीज़ों पे हमने ज़्यादा पैकिंग वगैरह पे ध्यान दिया। देखिए ये इस टाइप की जो जंप वगैरह आता है या पार्सल कहीं पे इधर उधर फेंका जाता है तो इस केस को नुकसान ना हो इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ ये इनलाइनर की की है, आप देख सकते हैं ये इनलाइनर की आती है जिसकी वजह से इनलाइनर फिटिंग होते हैं, व्हील्स वगैरह या एडजस्टेबल करना होता है आपको फ्रेम वगैरह तो उस पर, या चेंज करनी हो तो इस तरीके की आती है। ओके, देन ये फ्रेम है, इनलाइनर के नीचे जो व्हील्स लगते हैं वो इसी फ्रेम में लगते हैं, तो इसको भी अभी हम खोल के बता दें। एक बार इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये 8 व्हील्स का सेट है, आप देख सकते हैं ये 8 व्हील्स है जो कि 110 mm वाला 110 mm के व्हील्स है। और ये ऑल सरफेस यूज़ में, मतलब सभी सरफेस पे आप यूज़ में ले सकते हैं 8 व्हील्स। ये 4 इनलाइनर है फॉर प्रोफेशनल, 4 व्हील्स इनलाइनर है प्रोफेशनल। ये अबव 50 kg से अबव के जितने वेट होते हैं, 100 या उससे भी अबव वेट होता है kg से, तो उनके लिए ये व्हील्स यूज़ में आते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें जो बेयरिंग आते हैं 16 बेयरिंग है, 8 व्हील्स है तो दोनों, 1 व्हील्स में 2 बेयरिंग रहते हैं, तो ये पूरा 16 बेयरिंग का सेट है। और ये है शू, कार्बन शू हैं जो कि थोड़े हार्ड हैं और इसमें यहाँ पर फ्रेम लगती है। और इसके अलावा अभी मैं इसको खोल कर बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने पैकेजिंग तो देख ली, जस्ट नॉर्मल पैकिंग रखते हैं, इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और वैसे तो इसमें इतनी डैमेजिंग का प्रॉब्लम रहती ही नहीं क्योंकि ऐसा कोई मिरर टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं जिससे नुकसान हो जाए, सब चीज़ बहुत हार्ड आती है। बात करते हैं वेल्स की, तो व्हील्स 110 mm की साइज़ है इसकी जो कि किसी भी रोड या किसी भी सरफेस पे चलने के लिए बहुत काफ़ी है, मतलब बेस्ट है। इसमें क्या कि किसी तरह का छोटे मोटे पत्थर भी आते हैं, कंकर भी आते हैं, तो इजीली इसको ये क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा
हार्डनेस भी इसकी अच्छी है, इसमें जंप वगैरह जो मिलते हैं बहुत ही शानदार मिलते हैं। एक्स फ्रेम है इसकी, और इसके अलावा बता दो क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, बीच में ब्लैक कलर का इंटरफेस है, इसके अलावा जो आउटसाइड है वो वाइट कलर की है। और इसको इस इनलाइनर में ये 8 व्हील्स लगते हैं, मीन्स देखिए 3 व्हील्स का भी आता है और 4 व्हील्स का भी आता है। ये 4 व्हील्स है जो कि अबव 50 केजी के ऊपर जो वेट होते हैं या 40 केजी से ऊपर के जो वेट वाले हैं बड़े लोग होते हैं जिनके लिए ये उनके लिए यूज़ में आता है और उनका वेट को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तो हो गई व्हील्स की क्वालिटी, अब बात करते हैं शू की क्वालिटी। ठीक है, साहिल स्केटिंग वाले जो शूज़ रहता है वो इस क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा प्रोफेशनल चीज़ होती क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। देखिए ये क्वालिटी, ये जो इसका ऊपर का मटेरियल है ये बहुत ही हार्ड है, लाइक प्लास्टर होता है जब किसी के लग जाती है हाथ पे, जो प्लास्टर बंधा हुआ होता है जितना हार्ड वो प्लास्टर होता है उतना हार्ड ये शू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन शू। ठीक, नॉर्मल लेस आती है यहाँ से, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है जो लास्ट तक जाती है, इसको यहाँ से आप जितना टाइट करेंगे उतना सस्पेंसर का जो लूज़ नहीं रहना चाहिए, जब भी आप चलाते हैं इसको बहुत ही हार्ड रखिए। ठीक है, ये यहाँ पर लग जाएगा शूज़ के अंदर, ये ठीक है, ओके। आप इसमें इस तरीके से बेल्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस बेल्ट को टाइट करने का तरीका क्या है, जब आप लेस टाइट कर ले उसके बाद बेल्ट लगा के इसको बस ये अप डाउन करते रहिए, जैसे जैसे अप डाउन करेंगे ये अंदर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि एक लिमिटेड इसको टाइट करें, इसको आप एक लिमिटेड वे में टाइट करें, इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होता है ये प्लास्टिक के जो ये ग्रिप है ये घिस जाती है, फिर लूज होने लग जाता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक, ये शू ब्लैक कलर में, इसके अलावा आपको सिल्वर कलर में भी मिल जाता है ये। इसके अलावा ये जो नीचे जो बॉल्स हैं, ये बॉल्स की जो लगाने के सिस्टम दे रखा है, फ्रेम लगती है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 पॉइंट इधर है, 6 पॉइंट इधर है, इसे क्या आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, शू आपका पैर किस तरफ किस वे में जा रहा है उस वे को आप, जैसे अगर आपको इस तरफ लेना है तो फ्रेम पीछे वाली फ्रेम का बोल यहाँ लग जाएगा, आगे वाली फ्रेम का बोल यहाँ लग जाएगा, सेंटर में रखना तो सेंटर में, इधर रखना है तो इधर, जैसा आप अलाइनमेंट रखना चाहते हैं। आपकी पैर की क्वालिटी किस तरफ निकल रही है, इनलाइनर चलाने में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ये इस तरफ जा रहे हैं तो आप फ्रेम को हल्का सा यूँ रख सकते हैं नीचे से, तो ये चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है। ठीक है, तो शू क्वालिटी आपको भी पता चली, चूँकि ऊपर ये वाइट कलर की कॉलर दे रखी है जिससे और अच्छा लुक आता है, वाइट वेल्स वाइट कॉलर बहुत ही शानदार लुक आता है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम इसके साथ में आने वाली फ्रेम की। ठीक है, फ्रेम ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ, अब आप देखिए ये है इसकी फ्रेम। ठीक है, इसमें चारों व्हील्स लगते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा अंदर एक वाइसर है जो दोनों बेरिंग जो लगते हैं व्हील्स के अंदर, एक इस तरफ लगता है एक इस तरफ, और ये बीच में वाइसर रहता है जिससे कि क्या कि दोनों बेरिंग प्रेस नहीं होते, एक स्मूथनेस रहती है, लूज़ रहता है। ठीक है, और आप ये साइड से भी देख लीजिए, इस तरफ से भी देख लीजिए, गोल्डन लाइक गोल्डन कलर का है इसका ये टॉप है, जो मैं आपको बता दूँ ये यहाँ पर फिट होती है, आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ, इसका अलाइनमेंट आप जैसे मर्जी आए वैसे रख सकते हैं। ठीक, इसकी अनबॉक्सिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग इसको सही तरीके से फिटिंग नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है, तो फिटिंग करके कम्प्लीट स्केट फिट करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसका जो फ्रेम जिस तरफ की है वो फ्रेम उस तरफ पे लगेगी, आप ये सोचते ये वाली फ्रेम हम ये लेफ्ट साइड की इसको राइट में लगा लें या राइट साइड की उसको लेफ्ट में लगा लें, तो ऐसा नहीं है। जो फ्रेम जिस व्हील्स की है इसको आप यहाँ यूँ समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको ये हिस्सा फ्रंट है तो ये फ्रंट रहेगा, ये हिस्सा बैक है तो बैक ही रहेगा। आप कई लोग क्या करते हैं, हमारे से इनलाइन लेते हैं फिर उल्टी सीधी फिट कर देते हैं, फिर कहते हैं सर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे ये स्पेशल लेसन खुद अनबॉक्सिंग करनी पड़ी हमारे प्रोडक्ट की। तो देखिए ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये जो बीच में डिस्टेंस है गैप नहीं दिखता है, जब आप उल्टी लगाते हैं तो ये गैप दिखने लग जाता है, आप समझ रहे हैं, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और ये अपोजिट भी करते हैं तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, इतना आप इतना कॉस्टली इनलाइनर लेते हैं प्रोफेशनल तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो ये फ्रेम आ गए, ये शूज़ समझ में आ गया। इसके अलावा आपको दो चीज़ें और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक तो ये की, जिस की मदद से आप सारे व्हील्स को लूज टाइट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये की है, आपको बता देता हूँ ये टाइप की आती है। ठीक, वैसे इस पर मैं बता चुका हूँ कि की कहाँ ज़रूरत होती है, कैसी की भी नॉर्मल की भी चल जाती है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पूरा इनलाइनर पैकेज के साथ रहती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये बेरिंग के साथ हैं। ठीक है, इस टाइप के 16 बेरिंग के साथ हैं। ठीक है, तो आप इन सभी 16 बेरिंग को आप अपने व्हील्स के अंदर इस टाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखिए मैं इसकी फिटिंग बिल्कुल नॉर्मल वे में कर रहा हूँ, ताकि कोई जो भी स्टूडेंट है उनके पास इसके क्या स्पेशल औजार आते हैं वो आपके लोगों के पास नहीं होगा, तो मैं नॉर्मली इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में करके बताऊंगा, ताकि आप खुद घर पे इसको फिटिंग कर सकें। एनी केसेस आप पूरा पैकेज खुद अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं और हमारे से बिना ऐसे ही मंगाना चाहते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक, कि आप कैसे इसको फिटिंग कर सकते हैं। ठीक,
चलिए दोस्तों, ये तो पूरा जितने भी पैकेजिंग है मैंने आपको बता चुका हूँ। ये दो फ्रेम है इसके साथ, इसके अलावा ये व्हील्स हैं, शूज़ हैं, और ये पूरा कम्प्लीटली ये पैकेज आपको मिलता है। तो चलिए अब इसको हम पूरा फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद देखिए कैसा लगता है। दोस्तों इस पूरे इनलाइनर को फिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शू है, शू के ये बोल्ट हैं जो आपको बता देता हूँ मैं। शू इस टाइप के बोल्ट है जो ये यहाँ लगेंगे, ठीक है। तो इस बोल्ट को भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताया नहीं है। इस टाइप के चार बोल्ट है जो कि फ्रेम को टाइट करने के लिए यहाँ लगते हैं, ठीक है। और ये एलन की ये यूज़ में आती है, ठीक, नॉर्मल यूज़ में, ठीक है। तो ये आप चाहे जहाँ पे भी लगा सकते हैं, चार और छः हिस्सों में से, लेकिन जहाँ आपका अलाइनमेंट परफेक्ट आता है वहीं लगाइए, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली वे में मैं एक किसी भी एक साइड को सेंटर पकड़ लेता हूँ, सेंटर में फिट कर देता हूँ दोनों बोल्ट को। और आप इसको, सॉरी मैं आपको बता दूँ, आप इसको सेलंकी की मदद से आराम से और तसल्ली से लगा दीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आप इसमें व्हील्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरे व्हील्स खोलने पड़ेंगे इसको आप वापस एडजस्टमेंट करने के लिए। सारे व्हील्स खोल के आप इसका अलाइनमेंट करें। फिर मैं एक्चुअली क्या, मैं जिन भी स्टूडेंट को ये प्रोवाइड कराता हूँ उनसे बहुत डिस्कस होती है हमारी, उसके बाद हम ये चीज़ उनको प्रोवाइड कराते हैं। उनके अलाइनमेंट के हिसाब से हम खुद यहाँ पर फिटिंग करके हम खुद उस पर थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लेते हैं कि किस तरफ अलाइनमेंट जा रहा है। आप देखिए इस तरीके से फिटिंग हो जाएगा। कोशिश ये रखेंगे इसको जो ये फिटिंग है इसके बाद हल्का सा इसको हल्का सा आउटसाइड रखें, बाहर की तरफ, सीधा नहीं रखा, हल्का सा बाहर की तरफ रखें। ये देख लीजिए इस शूज़ के हिसाब से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ रखनी है आपको ताकि शूज़ बाहर की तरफ जाए। इसको सेंटर या अंदर की तरफ रखेंगे तो व्हील्स शूज़ इसके अंदर की तरफ आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इसमें फिटिंग कर लिया है। मैं आपको एक शूज़ कंप्लीट फिट करके बता देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे बोल्ट खोलने हैं हमें। नॉर्मली है, इतना हार्ड नहीं है अभी फ़िलहाल, न्यू है। ये सारे ऐसे खोलने हैं। इन बोल्ट के अंदर एक वाइसर निकलता है जो मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके ये बोल्ट है और ये वाइसर है, ठीक है। तो ये वाइसर कहाँ लगता है, जैसे ये बेयरिंग, ये व्हील्स है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल आराम से ये बेयरिंग इस तरीके से फिट हो जाता है, हाथ से हो जाता है फिट। फिर उसके बाद ये वाइसर डालना है हमें, उसके बाद ये बेयरिंग फिट करना है। इस तरीके से ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर वाइसर बिल्कुल सही फिटिंग आनी चाहिए, तब जाके ये अच्छा फिनिशिंग से काम करेगा, ठीक है। अब ये जितने भी ये चारों में, सॉरी मैं बता दूँ आपको, चारों के व्हील्स के बेयरिंग और वाइसर मैंने लगा रखे हैं, अब इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रेम का जो आउटसाइड है, बाहर का हिस्सा है, इस तरफ भी ये डिज़ाइन रखनी है। नॉर्मल ये लिखा हुआ सारा बाहर आना चाहिए, ठीक है। और उसी तरफ से ये बोल्ट अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए ये इस तरीके से। ओके, ये हम फिट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड खोलना है, मैंने ऑलरेडी इन व्हील्स में बेयरिंग और वाइसर लगा के रेडी रख चुका हूँ। जो दूसरे वाइसर मैंने दूसरे वाली फ्रेम से निकाल लिया है, आप देख लीजिए नॉर्मल। अगर आपको ये स्केच चाहिए आपके वेट के अकॉर्डिंग, तो स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको ये सभी पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। और जितनी भी प्राइस वगैरह है सब मैं आपको फ़ोन पर बता दूँगा, ताकि आपको, क्योंकि देखिए प्राइस चढ़ती उतरती रहती है, मैं इस अभी क्या बताऊँ, फिर बाद में कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, या कभी मॉडल चेंज हो जाते हैं, ये मॉडल बंद हो जाते हैं, दूसरे मॉडल निकल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होती है, ठीक। ये मैंने देखिए इस तरीके से, इतना भी ज़्यादा जोर ना लगा दे कि की टूट जाए या ये फ्रेम के जो, अब ये कम्प्लीटली इनलाइनर पैकेज हो पैक फिट हो चुका है, ठीक है। ओके, ये इस तरीके का आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी फिट कर लेते हैं। ओके, फिर आपको आएगा मज़ा चलाने, देखने में भी और चलने में। जब आप चलाएंगे तो इस इनलाइनर को आप रोड, रिंग, मार्बल, टाइल्स सभी तरफ चला सकते हैं। दोस्तों ये इनलाइनर कम्प्लीटली फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट अप डाउन। तो पूरा बता चुका हूँ मैं आपको फिटिंग करने के बाद कैसा लगता है ये। और इसको चलाना देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस चाहिए इस इनलाइनर को प्रोफेशनल को चलाने में, बहुत प्रोफेशनल टाइप की आपको प्रैक्टिस चाहिए,
ना कि आप जो नॉर्मल कैटेगरी के जो इनलाइनर आते हैं अलग अलग आप नॉर्मल लेते हैं जो जो भी कम रेंज के होते हैं तो उनको चलाना आसान होता है बिकॉज ऑफ उसकी जो साइज़ है लॉन्ग साइज़ होती है उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, इसमें थोड़े सा मूवमेंट आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब आपका अच्छा बैलेंस बन जाता है तो इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं, आप इसको चलाने में इतना मज़ा आने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं प्रोफेशनल इनलाइनर की क्वालिटी और इसकी फिटिंग अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने सब आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके अलावा कमेंट्स कीजिए। उसके अलावा इस तरीके के इनलाइनर लेने हैं, सभी तरह के स्केच लेने हो आपको, हाइपर इनलाइनर, बेसिक रोलर, तो जल्द से जल्द हमें कॉल कीजिए। और एक बात बता दूं क्या, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल इनलाइनर रखते हैं, लोकल स्केट्स हम नहीं रखते हैं। अगर आपको लोकल स्केट वगैरह चाहिए, बेसिक हाइपर इनलाइनर, तो आप बहुत सारी साइडें हैं वहाँ पर जाइए, अपने बजट के हिसाब से आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और प्रोफेशनल चाहिए आपको और जो भी ऑलराउंडर चाहिए तो उसी के लिए आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हम लोकल रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप लोकल ले लीजिए, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर 100 रुपये का भी कोई स्केट्स है तो 100 रुपये भी आपके अगर पानी में जाते हैं तो हम इस तरीके की कोई राय भी आपको नहीं दे सकते। अगर प्रोफेशनल की बात करते हैं तो प्रोफेशनल में हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपको इसमें हम बता ही चुके हैं अनबॉक्सिंग वगैरह में कि क्या क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है और कौन सी चीज़ क्या वर्क करती है, तो वह सभी हम इस वीडियो में बता भी चुके हैं। तो इस तरीके से जितने भी स्केट्स हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है और इसको हम स्पेशल अब मॉडिफाइड करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको लेना है तो ये स्क्रीन पे नंबर ब्लिंक हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए और जल्द से जल्द ये स्केट्स मंगवाइए। इसके अलावा और भी सभी स्केट्स मंगवा लीजिए दोस्तों, बस यही। मैं हूँ इंटरनेशनल स्केटर, किंग ऑफ स्केट्स, साहिल स्केटिंग कॉलेज से, इमरान खान। जय हिंद, जय भारत।